हेलो स्टूडेंट, आजकल की जो वीडियो हमारी आप जो आपके सामने आ रही हैं, वो जो 12th क्लास का जो चैप्टर है इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रल्स, उसके जो मेन मेन टॉपिक्स जो हैं, उस पर हम जो वीडियो जो है वो आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिसमें हमने करीब 3-4 वीडियो जो हैं वो हम आपके सामने जो है लेकर आ गए हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन काफी बड़ा चैप्टर है, तो हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को वीडियो में कवर करेंगे जिन को बच्चों को जो है जिन टॉपिक्स के अंदर प्रॉब्लम होती है, और जितनी भी इंटीग्रेशन है उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे मुश्किल, जो सबसे अच्छा जो एक्सरसाइज है वो इंटीग्रेशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज है। तो आज की जो वीडियो जो है जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं वो आज इसी टॉपिक पर है, मतलब कोशिश ये की जाएगी कि जो इंटीग्रेशन का जो मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, उसकी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। और आपको ये पता है कि इंटीग्रेशन की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो सारे क्वेश्चंस करवाने तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो मेन मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम आज की वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें जरूर दें, ठीक है? ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट इंटीग्रेशन मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ इंटीग्रल्स चैप्टर्स का क्वेश्चन नंबर 4। कुछ क्वेश्चंस इजी हैं जिनको आप कर सकते हो, हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करवाएंगे जो क्वेश्चन थोड़े से जो है अलग होंगे। बस जरा क्वेश्चंस ध्यान से देखें और क्वेश्चंस थोड़े से बड़े बड़े जरूर हैं। अब हमने देखा हमें इसका जो है इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव। तो ये क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज है थोड़ी बड़ी जरूर होगी। अब मैंने इस पूरे में से x की पावर 4 कॉमन निकाला, और आपको ये बताया कि अगर हम कुछ भी कॉमन निकालते हैं तो उसकी जो पावर होती वो भी कॉमन निकलती। x की पावर 4 कॉमन निकल के बन गया 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4, इसकी वैल्यू आ गई 3/4। इस फोर, ये हमारा पूरा का पूरा इंटीग्रेशन है, इस 4 से ये 4 कैंसिल, 1 अपॉन x की पावर 3 और x की पावर 2, यहां पर बन गया x की पावर 5, तो 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4, यहां आ गया 3/4। इस पूरे का इंटीग्रेशन पड़ा हुआ है, तो पुट t = 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4, dt/dx, 1 का डेरिवेटिव 0, इसे ऊपर लेके चले गए -4, तो -4 x की पावर -5, इस पूरे का डेरिवेटिव, तो dt/-4 x की पावर -5, यहां पर बच गया dx, तो dt/-4 यहां पर बच गया dx/x की पावर 5। अब अपने क्वेश्चन में आ जाओ, dx/x की पावर 5 की वैल्यू आ गई dt/-4, इस पूरे की वैल्यू हमने t पुट करी थी, -1/4 ये रहा, यहां आ गया dt/t, तो -1/4 और 1/t का इंटीग्रेशन हो गया log t + c, तो -1/4 log, साथ में अब t की वैल्यू ये रही 1 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 + c, यही हमारा आंसर है। देखो एक बार से, बहुत हमने यहां से x की पावर 4 कॉमन निकाला, जो कॉमन निकलेगा उसकी पावर भी कॉमन निकल गई, 4 से 4 कैंसिल, x की पावर 2 और x की पावर 3, आ गया x की पावर 5। इस पूरे का जो डेरिवेटिव है हमने इसको पुट करा, और पुट इसलिए करा क्योंकि हमारे पास यहाँ dx/x की पावर 5 की वैल्यू ये बन रही है, तो dx/x की पावर 5 की वैल्यू आ गई dt/-4। इस पूरे को हमने t की पर t माना था, और अब इस t को जो हमने माना था यहाँ पर जो है थोड़ी सी जो है मिस्टेक ये हो गई कि हमारे पास t की पावर भी है, t की पावर यहाँ 3/4 है, तो हमने क्या करा -1/4 ये रहा,
इसे ऊपर लेके चलेगा टी की पावर माइनस वन बाई फोर डी टी। ये हमारे पावर थी, ये नहीं पावर। अब हमारे पास क्या आ गया, माइनस वन बाई फोर। यहाँ आ गया हमारे पास जो इंटीग्रेशन निकाला हमें, यहाँ आ गया टी की पावर माइनस थ्री बाई फोर प्लस वन, माइनस थ्री बाई फोर प्लस वन प्लस सी। पहले इसकी पावर लिखना भूल गए थे, अब इस पूरे की पावर है थ्री बाई फोर। अब हमने इसका इंटीग्रेशन निकाला, माइनस वन बाई फोर टी की पावर, फोर वन जा फोर में से थ्री गया वन बाई फोर, यहां पर आ गया हमारे पास वन बाई फोर प्लस सी। इस फोर से ये फोर कैंसिल, तो माइनस टी की पावर हमारे पास ये बन गया माइनस किया टी की पावर वन बाई फोर प्लस सी। तो माइनस ऐसे इस टी की वैल्यू ये रही, टी की जो वैल्यू थी हमारे पास ये थी वन प्लस वन अपॉन में एक्स की पावर फोर, इसकी पावर आ गई वन बाई फोर प्लस सी। इस पूरे की वैल्यू हमारे पास टी थी, साथ में आ गए थ्री बाई फोर, ये प्लस था इसे ऊपर आ गया माइनस में, इसका हमने इंटीग्रेशन निकाला तो ये आ गया वन बाई फोर। इस फोर से ये फोर कैंसिल, ऐसे कैसे ही टी की पावर वन बाई फोर, तो माइनस एज इट इज। इस टी की वैल्यू को हमने यहां से सब्स्टिट्यूट कर, जो हमने वापस करा था, तो वन प्लस वन अपॉन में एक्स की पावर फोर, इस पूरे की होल पावर वन बाई फोर। आगे देखें अगला क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अब देखो यहां पर हमारे पास जब भी हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो सबसे पहले उसको तब तक सिंप्लीफाई करना होता है जब तक उसका इंटीग्रेशन नहीं पड़ा होता। अगर ये वैल्यू न्यूमरेटर की जगह, मतलब डिनोमिनेटर की जगह अगर न्यूमरेटर में होती तो इनका हम अलग अलग करके इनको हम इंटीग्रेशन जो है निकाल सकते थे, लेकिन अब हम इनको अलग अलग तो हम कर नहीं सकते, तो इसलिए हम इसको इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे कि इसका कोई ना कोई सा इंटीग्रेशन आ जाए। तो इसलिए सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू टी की पावर सिक्स। अब ये पावर सिक्स में इसलिए माना है क्योंकि जो सिक्स जो है ये वन बाई टू से भी और वन बाई थ्री से भी दोनों से कट रहा है। अब हमारे पास x का डेरिवेटिव dx एक्स बाई डी टी, इसका डेरिवेटिव सिक्स टी की पावर फाइव, तो dx इक्वल टू सिक्स टी की पावर फाइव डी टी। ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है dx की, हमने ऊपर वैल्यू पुट कर दी सिक्स टी की पावर फाइव डी टी, एक्स की वैल्यू टी की पावर सिक्स, इस पूरे की पावर वन बाई टू, टी की पावर सिक्स, इसकी वैल्यू आ गई वन बाई थ्री। सिक्स टी की पावर फाइव, इसको सॉल्व करा टी की पावर थ्री, इसको सॉल्व करा टी की पावर टू। अब हमने क्या करा, यहां से टी स्क्वायर कॉमन निकाला हमने, यहां से टी स्क्वायर निकाला और काटा, तो सिक्स टी की पावर थ्री टी स्क्वायर कॉमन निकाल के यहां पर बच गया टी प्लस के वन। पहले हमने यहां से टी स्क्वायर कॉमन निकाला और तब हमने काटा। अब हमने देखा यहां पर पावर बड़ी है तब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो सिक्स टी की पावर थ्री को डिवाइड किया जा रहा है टी प्लस वन से, तो यहां आ गया सिक्स टी स्क्वायर, सिक्स टी की क्यूब, इसको इससे इंटू करा सिक्स टी स्क्वायर, सबके साइन चेंज, माइनस सिक्स टी स्क्वायर, इसको यहां पर आ गया माइनस सिक्स टी, तो माइनस सिक्स टी स्क्वायर माइनस का सिक्स टी प्लस, यहां आ गया सिक्स टी, यहां से यहां पर आ गया प्लस सिक्स, तो यहां आ गया सिक्स टी, यहां आ गया प्लस सिक्स, साइन चेंज, यहां आ गया माइनस सिक्स। तो जब तक ये छोटा नहीं आ रहा तब तक इसको सॉल्व करते थे। अब हमारे पास क्वेश्चंस क्या था, हमारे पास क्वेश्चन ये था सिक्स टी की पावर थ्री टी प्लस वन डी थ्री। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो सिक्स टी स्क्वेयर माइनस सिक्स टी प्लस सिक्स प्लस माइनस सिक्स अपॉन में टी प्लस वन, इस पूरे को हमने डी टी कर दिया। ये तो हमारे पास क्वेश्चन था, तो यहां आ गया सिक्स टी स्क्वेयर माइनस सिक्स टी प्लस सिक्स माइनस सिक्स, यहां पर बन गया ये वन अपॉन टी प्लस के वन, इस पूरे का इंटीग्रेशन।
अलग अलग सिक्स, इसका इंटीग्रेशन टी की पावर 3 अपॉन में 3 -6 टी स्क्वायर अपॉन में 2 +60, क्योंकि ये टी के फॉर्म में है। इसका इंटीग्रेशन -6 log टी +1 +c। अलग अलग सेपरेट किया, इसका इंटीग्रेशन ये रहा, इसका इंटीग्रेशन ये रहा, इसका इंटीग्रेशन ये रहा, इसका इंटीग्रेशन ये रहा, कैंसिल। यहां आ गया 2t की क्यूब -3t स्क्वायर +6t -6 log टी +1 +c। मगर ये जो क्वेश्चंस का जो आंसर निकला है ये टी के फॉर्म में है और हमें जो आंसर चाहिए एक्स के फॉर्म में चाहिए, तो अब इस पूरे टी को अब हमें एक्स की फॉर्म में चेंज करना है। जरा ध्यान से देखो सब, सबसे पहले ये टू तो ऐसे कैसे, ये रहा टू। अब जो हमें वैल्यू निकालना है वो टी की क्यूब का निकालना। देखो टी की क्यूब कैसे निकाले जा रहा है, जरा ध्यान से देना। एक्स इज्वल टू टी की क्यूब का स्क्वेयर, यहां से इधर आ गया एक्स की पावर हाफ इक्वल टू टी की क्यूब। इसका मतलब टी की क्यूब की वैल्यू आ गई एक्स की पावर हाफ, तो ये रहा एक्स की पावर हाफ माइनस का 3। ऐसे ही टी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ जाएगा एक्स की पावर 1/3 +6, ये रहा 6। अगर मैंने यहां से टी की वैल्यू निकाली तो एक्स की पावर 1/6 माइनस का 6 लॉग, इस टी की वैल्यू यहां से आ गई एक्स की पावर 1/6 +1 प्लस का सी। अलग कहने का मतलब ये है कि जब हमारा क्वेश्चन एक्स की फॉर्म में है तो उसका जो आंसर जो है वो भी एक्स की फॉर्म में होना चाहिए। एक एक क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखें और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। वीडियो को पूरा देखना तभी फायदा होगा और वीडियो को शेयर जरूर करें। आगे देखें भी क्वेश्चन। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अगर जिस बच्चे को इस ई और लो का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। सबसे पहले जरा ध्यान से देखो, ई ऐसे कैसे ही पावर ऊपर आ गई लॉग एक्स की पावर 5। आप सबने पहले पढ़ा था कि जो पावर ऊपर होती वो आगे आ जाती, तो जो आगे वाली है वो ऊपर भी आ सकती। माइनस ई लॉग एक्स की पावर 4 लॉग एक्स की क्यूब लॉग एक्स का स्क्वायर। और ये आपको बताया कि ई और लॉग एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज एक दूसरे का रिवर्स होता है, तो यहां पर बच गया एक्स की पावर 5, यहां पर बच गया एक्स की पावर 4, यहां पर बच गया एक्स की क्यूब, यहां पर बच गया एक्स स्क्वायर। अब मैंने ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर बच गया एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये पूरा का पूरा कैंसिल, तो यहां पर ये बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। और आपको पता है कि एक्स की स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर 3 अपॉन में 3 +6। फिर बोला देखो देखने में कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कितना ज्यादा आसान है, लेकिन हर उस स्टूडेंट के लिए जिसको एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक के जो है बेसिक प्रॉपर्टीज क्लियर है। ठीक है, ऐसे ही और देखो आगे, बस ध्यान से देखता रहे क्वेश्चन, क्योंकि मिसलेनियस का मतलब थोड़ा सा अलग, और जो बच्चा मिसलेनियस के एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकता है इसका मतलब ये है कि उसको पूरा का पूरा जो है इंटीग्रेशन क्लियर है। ठीक है, और उसको कंप्लीट करवाने में हम आपकी मदद कर रहे हैं, बस वीडियो को देखना पूरा है। वीडियो को आप पूरा देखें तो आपको जरूर फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 10th, सारे क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करवाए जा रहे हैं। 1 -2 sin² x cos² x, ये हमारा इंटीग्रेशन है। अब आप इस क्वेश्चन को भी अगर आप देख रहे हैं तो कितना ज्यादा अलग सा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इस ऊपर वाले को देखो, जो हमारा न्यूमरेटर है मैं सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, बस ये हमारे पास बन गया साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर, यहां पर बन गया कॉस की पावर 4x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला बन गया एक बार तो माइनस में, ये रहा माइनस में, और एक बार प्लस में, ये बन गया प्लस में,
इसको और आगे साइन स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर, ऐसे यहां पर भी साइन स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर। ये फॉर्मूला हमारे पास माइनस में था, ये हमारे पास बन गया। देखो ध्यान से, एक बार तो प्लस में, ये रहा प्लस में, और एक बार बन गया माइनस में, साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स। ये तो हो गया एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये वाला फॉर्मूला जो बनता हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो ए प्लस बी इस पूरे का होल स्क्वेयर माइनस टू ए बी। दोनों फार्मूले अलग हैं, ये फार्मूला जो है ये है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये फार्मूला है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एक, तो फार्मूला बन गया ए प्लस के बी का होल स्क्वेयर माइनस का टू ए बी, इसकी वैल्यू वन। तो यहां पर बन गया ये साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स, ये भी वन बन गया, वन का स्क्वेयर वन, तो माइनस वन टू साइन स्क्वेयर और कॉस स्क्वेयर। तो इस पूरे को हमने जो सिंप्लीफाई करा वो यहां तक आ गया। हमारे पास क्वेश्चन ये था साइन स्क्वेयर के साइन की पावर एट एक्स माइनस कॉस के पावर एट एक्स की वैल्यू ये आ गई, साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स। अगला ये रहा वन माइनस का टू, यहां पर हो गया साइन स्क्वेयर एक्स, यहां पर बन गया कॉस स्क्वेयर एक्स अपॉन में वन माइनस का टू साइन स्क्वेयर एक्स, और यहां पर बन गया कॉस स्क्वेयर एक्स। इस पूरे से ये पूरा कैंसिल, तो यहां पर ये बन गया साइन स्क्वेयर एक्स, यहां पर हो गया कॉस स्क्वेयर एक्स। अगर हमें ये आगे पीछे होता तो ये कॉस टू एक्स का फॉर्मूला था, इसलिए मैंने माइनस कॉमन निकाल के यहां आ गया कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। तो हमारे पास ये माइनस ऐसे कैसे, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया कॉस टू एक्स, तो माइनस तो ऐसे कैसे ही, कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन टू एक्स अपॉन में टू प्लस सी, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, सिर्फ ऊपर वाले को सिंप्लीफाई किया जा रहा है, बस हमने ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करा और सिंप्लीफाई करने के बाद वो कट गया, जो बाकी बचा उसको आगे पीछे करा, और आगे पीछे इसलिए करा है क्योंकि ये हमारा कॉस टू एक्स का फॉर्मूला बन गया और कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन ये रहा। ठीक है, आगे देखें अगला क्वेश्चन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन था जो पहले एक्सरसाइज 7.3 में भी यूज हुआ था, और पहले भी इस क्वेश्चन का जो है कॉन्सेप्ट बताया था। सबसे पहले ये सब डिनोमिनेटर में, और साइन कॉस इन सब का डिनोमिनेटर में कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो ये 7.3 में ही बताया था, और अब भी बताया जा रहा है कि ये दो तरह का क्वेश्चन होगा, या तो साइन कॉस वाला होगा या दोनों कॉस होंगे। अगर नीचे साइन या कॉस है तो ऊपर कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है, और अगर नीचे दोनों में कॉस है दोनों में साइन है तो ऊपर साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले जो बात हो रही है मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए माइनस बी, ए और बी हमने यहां पर रखे सबसे पहले, तो वन अपॉन साइन ए माइनस बी, तो यहां आ गया साइन ए माइनस बी, यहां आ गया कॉस एक्स प्लस का ए कॉस एक्स प्लस का बी। किसी भी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसको डिवाइड भी किया जाता है, तो वन अपॉन साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी प्लस एक्स माइनस एक्स, यहां आ गया कॉस एक्स प्लस का ए कॉस एक्स प्लस का बी। जो नीचे है वही हमें ऊपर बनाने की कोशिश करनी है, कॉस एक्स प्लस ए और कॉस एक्स प्लस बी। तो सबसे पहले साइन एक्स प्लस ए, ये रहा एक्स प्लस ए, अब इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन निकाल के एक्स प्लस बी, यहां आ गया कॉस एक्स प्लस ए, यहां पर बन गया कॉस एक्स प्लस के बी, और यहां आ गया डीएक्स, तो वन अपॉन साइन ए माइनस बी। ऊपर फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी, तो
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन में ये पूरा का पूरा ऐसे ही कॉस एक्स प्लस का ए कॉस एक्स प्लस का बी और यहां पर डीएक्स का निशान, तो वन अपॉन साइन ए माइनस बी, अलग अलग इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो साइन एक्स प्लस का ए कॉस एक्स प्लस का बी अपॉन में कॉस एक्स प्लस का ए कॉस एक्स प्लस के बी, ये अलग कॉस एक्स प्लस का ए साइन एक्स प्लस का बी, यहां आ गया कॉस एक्स प्लस का ए, यहां आ गया कॉस एक्स प्लस का बी, अलग अलग कर लिया। अलग अलग करने के बाद हमने डीएक्स लगा दिया, तो वन अपॉन में साइन ए माइनस बी, सबसे पहले इससे ये कैंसिल, यहां पर बन गया साइन एक्स प्लस का ए और यहां पर बच गया कॉस एक्स प्लस का ए, इससे ये कैंसिल, यहां पर बन गया साइन एक्स प्लस का बी और यहां पर बन गया कॉस एक्स प्लस का बी, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो वन अपॉन में साइन ए माइनस का बी, इसकी वैल्यू आ गई टेन एक्स प्लस का ए, इसकी वैल्यू आ गई टेन एक्स प्लस का बी, और देखो दोनों वैल्यू अलग अलग आ गई है और दोनों का हमारे पास इंटीग्रेशन है, तो वन अपॉन साइन ए माइनस बी इसका इंटीग्रेशन निकाला, लॉग सेक एक्स प्लस का ए, अपॉन में वन लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस लॉग सेक एक्स प्लस का बी प्लस सी, तो वन अपॉन साइन ए माइनस का बी, तो ये लॉग ऐसे कैसे ही, माइनस का मतलब डिवाइड, तो सेक एक्स प्लस का ए, यहां आ गया सेक एक्स प्लस का बी प्लस सी। अगर हम चाहें तो इसको कॉस कॉस के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, तो ये आंसर सेक के फॉर्म में भी हो सकता है और कॉस के फॉर्म में भी हो सकता है। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है, बस आप ध्यान से क्वेश्चंस को देखें और आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखें, अब देखो जो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, आई इज इक्वल टू कॉस की क्यूब एक्स ई की पावर लॉग साइन एक्स डीएक्स, यहां आ गया कॉस की क्यूब एक्स, इस ई से लॉग कैंसिल, एक दूसरे का रिवर्स है, तो यहां आ गया साइन एक्स, अगर मैं इसको पुट करता हूं तो डी टी यहां बैठ रहा है, लेकिन डी टी की पावर 3 है जो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने पुट करा, पुट टी इज इक्वल टू कॉस एक्स डी टी अपॉन में डी एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स, माइनस मैंने यहां ले लिया, माइनस डी टी इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स, तो यहां हमारे पास, अब जरा ध्यान देखो, सबसे पहले हमने कॉस की पावर 3 मतलब कॉस एक्स की पावर, कॉस एक्स को हमने टी माना, तो यहाँ आ गया टी की क्यूब, साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस डी टी, तो माइनस तो ऐसे कैसे ही टी की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस सी, तो यहाँ आ गया माइनस 1/4, तो ऐसे कैसे ही टी ये रहा हमारे पास, तो यहां पर बन गया कॉस एक्स की पावर 4 प्लस सी। अब यहां अब आप देखो इस क्वेश्चन नंबर 16 को जो हमारे पास दे रखा है, यहां आ गया e 3 log x x की पावर 4 की पावर -1, ये हमारे पास है e की पावर log x की क्यूब, यहां पर पावर माइनस में, तो हमने इसको सही कर लिया, वन अपॉन x की पावर 4 प्लस 1, यहां आ गया dx, इस e से log कैंसिल, तो यहां हमारे पास बन गया x की क्यूब अपॉन में एक्स के पावर 4 प्लस के 1। अब इस पूरे का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो पुट टी इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1, तो डी टी बाई डी एक्स, यहां पर बन गया 4 एक्स की क्यूब, तो डी टी अपॉन में 4 इक्वल टू एक्स की क्यूब डी एक्स, अब ध्यान देखना एक्स की क्यूब डी एक्स, यहां पर बन गया डी टी बाई 4, इस पूरे की वैल्यू हमारे पास, हमने जो पुट करा था वो टी था, तो यहां पर आ गया 1/4
और बन गया हमारे पास डी टी बाई टी, तो 1/4 साथ में आ गया लॉग टी प्लस सी, तो 1/4 लॉग साथ में टी, टी की वैल्यू हमारे पास आ गई x^4 + 1 + c। इसका मतलब यह है कि चाहे क्वेश्चन नंबर 15 हो, चाहे क्वेश्चन नंबर 16 हो, या इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसके पास ई वाले और लॉग की प्रॉपर्टी क्लियर हो। ई और लॉग एक दूसरे का रिवर्स होता है जिससे वो वैल्यू कट जाती है। ठीक है, और आगे देखें जरा। अब जो फिर कहा जा रहा है कि एक्सरसाइज इंटीग्रेशन का जो मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वो भाई दूसरे क्वेश्चनों से थोड़ा सा अलग है, और ये वही बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है जिसने पहले कभी ना कभी अटेम्प्ट करा हो। तो जो ये वीडियो बन रही है उसका सिर्फ यही मकसद है कि भाई हम जो है हम आप सबकी जो है मदद करना चाहते हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने लाना चाहते हैं जिनके अंदर रियली के अंदर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। लेकिन वीडियो का फायदा तभी हो सकता है जब वीडियो को आप पूरा देखें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, तभी इस वीडियो का जो है कोई फायदा हो सकता है और हमें आगे बढ़ने का जो है मोटिवेशन मिल सकता है। क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अब हमने देखा ये हमारे पास इंटीग्रेशन का ये अलग क्वेश्चन दे रखा है। अब हमारे पास क्वेश्चन था 1/√(sin³x sin x + α), तो ये sin³x तो ऐसे कैसे हमें पता, इसका एक फार्मूला होता है, हमने फार्मूला लगाया sin A cos B cos A sin B, मतलब हमने फार्मूला लगा दिया sin A + B का। तो 1/√(sin³x sin A cos B + cos A sin B), मैंने इन सब में से साइन एक्स कॉमन निकाल लिया। साइन एक्स कॉमन निकाला तो यहां आ गया कॉस अल्फा, यहां साइन एक्स नहीं था तो कॉस एक्स, यहां पर sin A cos B cos A sin B, तो यहां आ गया साइन अल्फा, यहां आ गया साइन अल्फा, जो हमने कॉमन नहीं था वो हमारे पास नीचे आ गया 1/, इसको इससे इंटू करा sin⁴x, ये हमारे पास क्या बन गया कॉस अल्फा, कॉस बाई साइन कॉट एक्स, साथ में साइन अल्फा, ये हमारे पास 1/sin²x, ये हमारे पास पूरा का पूरा रूट चल रहा है। ये अब तो रूट हट गया यार, पूरा हमारे पास ये, हमारे पास ये चल रहा है हमारे पास, इसका रूट यहां आ गया कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा, इसे ऊपर रख लिया, यहां आ गया cosec²x, यहां है कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा। अब आप ध्यान से देखें, कॉस अल्फा कॉन्स्टेंट 0, साइन अल्फा कॉन्स्टेंट एज इट इज, क्योंकि इनटू वाला ऐसे कैसे, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव -cosec², तो इसलिए मैंने नीचे वाले को पुट करा, पुट इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉट एक्स साइन अल्फा, तो dt/dx 0 -cosec²x साइन अल्फा, तो ऐसे कैसे, तो dt/-sin α = cosec²x और dx, तो इस पूरे की वैल्यू आ गई dt/-sin α, इस पूरे को मैंने पुट करा था √t, मतलब ये रूट में था, ये आ गया t, तो -1/sin α, यहाँ आ गया dt/√t, -1/sin α, इसको ऊपर लेके चले गए तो t^-1/2, तो -1/sin α, इसका इंटीग्रेशन t^-1/2 -1/2 + c, तो -1/sin α t^-1/2, और यहां भी आ गया 1/2 + c, इसे ऊपर लेके गए तो -2/sin α, यहाँ आ गया √t + c,
तो माइनस टू अपॉन में साइन अल्फा, तो ऐसे कैसे ही रूट टी, टी की वैल्यू ये रही हमारे पास कॉस अल्फा प्लस कॉटेक्स साइन अल्फा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन थोड़े थोड़े पर्टिकुलर हैं, देखना पड़ेगा ध्यान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो ये कितना बड़ा क्वेश्चन है और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखें, पर क्वेश्चंस को देखते रहें, हर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जब हमने इनवर्स ट्रिगो पढ़ा था, हमने तो एक फार्मूला पढ़ा था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, ये हमारी एक आइडेंटिटी थी, एक्स मतलब एंगल। तो अब हमने इस फार्मूले का यूज करा, तो साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स की वैल्यू निकाली, तो पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, इस पूरे की वैल्यू आ गई पाई बाई टू, ये आ गया हमारे पास डी एक्स। जरूरी नहीं है कि यहां से कॉस इनवर्स की वैल्यू निकाले, हम साइन इनवर्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ आ गया साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाई टू प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन में पाई बाई टू, ये पूरा अलग डी एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स, तो टू साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई अपॉन में टू, यहाँ आ गया पाई अपॉन में टू डी एक्स, अलग अलग टू अपॉन में साइन इनवर्स रूट एक्स, यहाँ आ गया पाई बाई टू माइनस पाई अपॉन में टू, यहां आ गया पाई अपॉन में टू, इसे ऊपर लेके चले गए, यहां आ गया हमारे पास फोर अपॉन में पाई साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स, ये कटने के बाद हमारे पास आ गया डी एक्स। अब हमारे पास इसका तो इंटीग्रेशन है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन नहीं है, तो जितने भी हमारे पास इनवर्स वाले थे उन सबको हमने बाई पार्ट्स में करा था, बिल्कुल वही प्रोसेस अपनाएंगे। तो पुट रूट एक्स इजल टू साइन टी, वन अपॉन में टू रूट एक्स, एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, तो डी एक्स इजल टू टू रूट एक्स कॉस टी साथ में डी टी, तो डी एक्स की वैल्यू टू रूट एक्स की वैल्यू साइन टी, और यहां आ गया कॉस टी और डी टी, तो हमारे पास डी एक्स की वैल्यू आ गई पूरा का पूरा, ये बन गया साइन टू टी और डी टी, तो यहां आ गया फोर अपॉन में पाई, यहां आ गया साइन इनवर्स रूट एक्स की वैल्यू, यहां आ गई साइन टी, यहां आ गया उसके बाद डी एक्स की वैल्यू आ गई साइन टू टी डी टी माइनस यहां पर ऐसे कैसे, तो यहां आ गया फोर अपॉन में पाई, इससे ये कैंसिल, यहां आ गया टी साइन टू टी डी टी माइनस यहां आ गया डी एक्स, इस साइन इनवर्स से ये साइन कैंसिल हो गया। अब आप देख रहे हो यहां पर बाई पार्ट्स बन रहा है, ठीक है, ये तो साथ साथ ही चलता रहेगा। पहले हमने इस फॉर्मूले को यूज करा, यूज करने के बाद हमने यहां तक सिंप्लीफाई करा, फिर रूट एक्स की वैल्यू पुट करी, अभी खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन, अभी यहां पर बाई पार्ट्स बनेगा, और बाई पार्ट्स के अंदर आप सबने फॉर्मूला पढ़ा था आई लेट के हिसाब से एलजेब्रिकल वाला फर्स्ट है और टिग्नोमेट्रिकल वाला सेकंड है, तो फोर अपॉन में पाई, तो ये ऐसे कैसे ही फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन टू टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन और सबका डी टी, ये माइनस, तो ऐसे कैसे माइनस डी एक्स, ये हमारे पास फोर अपॉन में पाई टी, ऐसे कैसे इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस टू टी अपॉन में टू माइनस टी का डेरिवेटिव वन लिखने की जरूरत नहीं, माइनस कॉस टू टी अपॉन में टू और डी टी, वन का इंटीग्रेशन एक्स लेकिन माइनस का एक्स, इसे ऊपर लेके गए या टू से, यह हमारे पास ये कैंसिल, हमारे पास फोर अपॉन में पाई, यहां आ गया माइनस टी अपॉन में टू, यहां आ गया कॉस टू टी, माइनस और माइनस प्लस वन अपॉन में टू, यहां हो गया कॉस टू टी डी टी माइनस एक्स, फोर अपॉन में पाई माइनस टी अपॉन में टू, यहां आ गया कॉस टू टी प्लस वन बाई टू, कॉस टू टी का इंटीग्रेशन, यहां आ गया साइन टू टी अपॉन में टू,
माइनस एक्स, सबका इंटीग्रेशन निकल गया प्लस सी, ये एज इट इज 1/2 एज इट इज, कॉस 2t का हो गया साइन 2t अपॉन में 2। अब मैं सिर्फ अंदर इंटू कर रहा हूं, देखो पहले इसको इससे अंदर इंटू करा, इसको इससे इंटू करा, यहां आ गया माइनस 2 अपॉन में पाई टी कॉस 2t, 2 2 जा 4, 4 से ये कैंसिल, यहां पर बन गया 1 अपॉन में पाई, यहां आ गया साइन 2t माइनस एक्स प्लस का सी। अब हमने देखा हमारे पास क्वेश्चन में एक्स भी है और टी भी है, लेकिन हमारे पास शुरुआत के क्वेश्चन के अंदर एक्स था टी नहीं था, तो इस टी को भी मुझे एक्स की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, और एक्स हमारे पास साइन है, तो मैं इस टी को जरा ध्यान देना सब, इसको मैं सारा का सारा किस तरह चेंज कर रहा हूं, -2 अपॉन में पाई ऐसे कैसे ही टी, इस कॉस 2t को साइन की फॉर्म में आ गया 1 -2 साइन स्क्वायर टी, इस कॉस 2t का फॉर्मूला प्लस 1 अपॉन में पाई, यहां पर बन गया साइन 2t, तो 2 sin t cos t माइनस का एक्स प्लस सी, -2 अपॉन में पाई टी 1 -2 sin² t प्लस 2 अपॉन में पाई, यहां आ गया साइन टी कॉस टी का मतलब बन गया 1 -sin² t माइनस एक्स प्लस सी, तो -2 अपॉन में पाई टी की वैल्यू, टी की वैल्यू ये रही हमारे पास साइन इनवर्स रूट एक्स, 1 -2 साइन टी की वैल्यू रूट एक्स, तो यहां पर बच गया एक्स प्लस 2 अपॉन में पाई साइन टी की वैल्यू रूट एक्स, यहां आ गया हमारे पास 1 -sin t की वैल्यू रूट एक्स, तो यहां आ गया एक्स माइनस एक्स प्लस सी, उसके बाद -2 अपॉन में पाई साइन इनवर्स रूट एक्स 1 -2x प्लस 2 अपॉन में पाई, अंदर इंटू करा एक्स को वन से इंटू करा एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, क्वेश्चंस थोड़े बड़े होते जा रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे ही होंगे, हमारे पास आंसर तो यहीं पे निकल गया था, लेकिन जब हमारे पास क्वेश्चन टी में नहीं है तो आंसर भी टी में नहीं होगा, पहले उस टी को हमें एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन भी एक्स के फॉर्म में तो आंसर भी एक्स के फॉर्म में। ठीक है, सारे के ही सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20, हर वो क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही करवाया जा रहा है, अब हमें इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और आपको पता है कि अगर मैं रूट एक्स की वैल्यू साइन पुट करता हूं तो 1 - sin t या 1 + sin t का कोई फार्मूला नहीं है, अगर मैं रूट एक्स की वैल्यू 10 पुट करता हूं तो 1 - t और 1 + t का भी कोई फार्मूला नहीं है, इसलिए मैंने क्या करा, पुट रूट एक्स इक्वल टू कॉस टी, कॉस टी इसलिए क्योंकि 1 - cos t और 1 + cos t दोनों का फार्मूला है, तो इसका डेरिवेटिव 1 / 2√x, यहां गया dx/dt, cos t का डेरिवेटिव आ गया -sin t, तो dx इज इक्वल टू इन क्रॉस मल्टीप्लाई करा -2√x sin t, यहां आ गया dt, dx की वैल्यू -2, रूट एक्स की वैल्यू यहां आ गई cos t, यहां आ गया sin t और यहां आ गया dt। अब हमारे पास क्वेश्चन देखना, 1 - √x यहां आ गया cos t, यहां आ गया 1 + cos t इंटू में dx की वैल्यू -2 cos t sin t dt, ऊपर वाले का फॉर्मूला 2 sin² t/2, यहां आ गया 2 cos² t/2, यहां आ गया -2 cos t sin t और dt, 2 से 2 कैंसिल रूट कैंसिल, क्या बच गया यहां पर sin² t/2, यहां पर बच गया cos² t/2 वो भी रूट में, -2 cos t sin t dt, यहां आ गया sin t/2, यहां पर बन गया cos t/2, -2 cos t sin t का यहां पर बन गया 2 sin t/2 और यहां पर बन गया cos t/2 साथ में dt, मतलब साइन टी का फॉर्मूला लगा दिया, इस cos t/2 से ये cos t/2 कैंसिल, 2 2 जा 4 -4,
स्क्वेश सेंट टुकड़ा यहां आ गया, साइन स्क्वेयर टी बाई टू, साथ में कॉस टी माइनस फोर, तो ऐसे कैसे, इसका फॉर्मूला साइन स्क्वेयर टी बाई टू जो यहां लगाया था, तो वन माइनस कॉस टी अपॉन में टू, क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वेयर टी बाई टू का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं है, यहां आ गया कॉस टी डी टी, इस टू से ये टू कैंसिल, तो यहां आ गया माइनस टू, अंदर इंटू करा यहां आ गया कॉस टी, और यहां आ गया हमारे पास कॉस स्क्वेयर टी, तो ये रहा हमारा माइनस टू, तो ऐसे कैसे, ये रहा कॉस टी माइनस कॉस स्क्वेयर टी का फॉर्मूला वन प्लस कॉस टू टी अपॉन में टू, क्योंकि हमारे पास स्क्वेयर का कोई भी फॉर्मूला नहीं है साइन और कॉस में, तो माइनस टू ऐसे कैसे ही, इसका इंटीग्रेशन आ गया साइन टी माइनस वन बाई टू, तो ये रहा वन का इंटीग्रेशन टी प्लस साइन टू टी अपॉन में टू, यहां आ गया प्लस सी कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी माइनस वन बाई टू, ये रहा वन का इंटीग्रेशन टी, उसके बाद कॉस टू टी का हो गया साइन टू टी बाई टू, अंदर मल्टीप्लाई माइनस टू साइन टी, इसको इससे इंटू करा प्लस वन, इससे यहां आ गया प्लस टी प्लस वन बाई टू, यहां आ गया साइन टू टी प्लस सी, हमारे पास क्वेश्चन में कॉस की वैल्यू है, तो यहां आ गया माइनस टू साइन टी प्लस हाफ साइन टू टी का टू साइन टी कॉस टी प्लस सी, इस टू से ये टू कैंसिल, यहां पर सॉल्व करा इसकी वैल्यू ये आ गई, सिंपलीफाई करा साइन टी का फॉर्मूला लगा दिया, कट गया इसका फॉर्मूला, ये रहा टू से टू कैंसिल, अंदर इंटू करा कॉस टी ऐसे कैसे ही, कॉस स्क्वेयर टी का ये रहा फार्मूला, अलग अलग करके इंटीग्रेशन निकाला, लेकिन अभी ये टी की फॉर्म में है और हमें चाहिए एक्स की फॉर्म में, और एक्स हमारा जो है कॉस की फॉर्म में था, तो इसका मतलब मुझे इसको और इसको दोनों को कॉस की फॉर्म में चेंज करना है। जरा देखो ध्यान से, सबसे पहले माइनस का टू ऐसे कैसे ही, साइन टी का मतलब बन गया रूट में वन माइनस कॉस स्क्वेयर टी, उसके बाद टी ये रहा प्लस साइन टी का मतलब बन गया रूट में वन माइनस कॉस स्क्वेयर टी, साथ में कॉस टी प्लस सी, तो माइनस टू वन माइनस कॉस टी, कॉस टी की वैल्यू रूट एक्स, तो रूट एक्स का स्क्वायर आ गया एक्स, प्लस टी, टी की वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स रूट एक्स, प्लस वन माइनस कॉस टी का मतलब रूट एक्स, तो यहां आ गया एक्स, यहां आ गया रूट एक्स प्लस सी, उसके बाद माइनस टू रूट में वन माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, इसको इससे इंटू करा एक्स को वन से इंटू करा एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस सी, तो जब तक बार बार का आंसर तो यहीं पे आ गया, लेकिन जब तक हमारा क्वेश्चन एक्स के फॉर्म में नहीं आएगा उसको हम करते रहेंगे आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन का भी वैसे ही कॉन्सेप्ट बन रहा है जो इससे पिछला क्वेश्चन था, तो पुट एक्स इजल टू कॉस टी, तो डी एक्स बाई डी टी कॉस टी का माइनस साइन टी, तो डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस साइन टी और डी टी, यहां हमारे पास बन गया ये टेन इनवर्स वन माइनस कॉस टी, यहां आ गया वन प्लस कॉस टी, साथ में डी एक्स की वैल्यू माइनस साइन टी डी टी, ये हमारे पास टेन इनवर्स, यहां हमारे पास आ गया टू साइन स्क्वेयर टी बाई टू, यहां पर बन गया टू कॉस स्क्वेयर टी बाई टू माइनस साइन टी डी टी, तो यहां हमारे पास बन गया टेन इनवर्स टू से टू कैंसिल साइन स्क्वेयर टी बाई टू, यहां पर बन गया कॉस स्क्वेयर टी बाई टू, साथ में माइनस साइन टी डी टी, तो ये हमारे पास ये बन गया टेन इनवर्स, अंदर बन गया हमारे पास ये हमारे पास टेन स्क्वेयर टी बाई टू, तो यहां पर रूट हटने के बाद यहां पर बन गया टेन टी बाई टू, यहां पर बच गया माइनस साइन टी डी टी, तो यहां पर बच गया टेन इनवर्स से टेन कैंसिल टी बाई टू, माइनस मैंने यहां निकाल लिया, यहां आ गया साइन टी डी टी, फिर बाई पार्ट्स के हिसाब से ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव,
पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन और सबका dt, माइनस टी बाई टू, टी साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, माइनस माइनस 1/2, इसका आ गया माइनस कॉस टी और dt, यहाँ आ गया प्लस का टी बाई टू साथ में कॉस टी, माइनस और माइनस प्लस फिर माइनस, तो माइनस हाफ, यहाँ आ गया कॉस टी और dt, तो यहाँ आ गया 1/2 टी कॉस टी माइनस हाफ कॉस टी का इंटीग्रेशन हो गया साइन टी प्लस सी। अब हमने देखा आंसर तो हमारा आ गया लेकिन टी के फॉर्म में आया और टी जो है वो कॉस के फॉर्म में था, तो 1/2 टी कॉस टी माइनस हाफ रूट में 1 - cos² t प्लस सी, तो 1/2 ऐसे कैसे टी की वैल्यू यहां से आ गई कॉस इनवर्स एक्स, कॉस टी की वैल्यू आ गई एक्स माइनस 1/2 रूट में 1 - cos t की वैल्यू एक्स, तो यहाँ आ गया x² प्लस सी। अब इसको सही करके लिखना है बस हमें, इसको हमने सही करके लिख दिया, क्या बन गया हमारे पास 1/2 x, 1/2 x साथ में यहाँ आ गया कॉस इनवर्स एक्स माइनस ये रहा 1/2, उसके बाद रूट में यहाँ आ गया 1 - x² प्लस सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जरा सर, अब देखो जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल पर्टिकुलर क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हमने हमने क्या करा, रूट में x² + k1 log x² + k1 माइनस log x² जो यहां था इधर आ गया, यहां आ गया x⁴, यहां हो गया x² + k1, यहां माइनस है इसलिए यहां डिवाइड में हो गया, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी। अब हमने देखा ये x⁴ है, हमने लिख लिया इसको x साथ में x³, जब ये x था तो हमने इसको लिख लिया स्क्वेयर लगा के रूट में, क्योंकि तो x² का रूट x ही होता है। अब इस पूरे को देखना x² + k1 / x² साथ में लॉग x² + k1 / x², यहां नीचे आ गया x³ dx। अब मैं सेपरेट कर करके लिख रहा हूं, सेपरेट करके लिखा 1 + 1/x², इसको सेपरेट करके लिखा log 1 + 1/x² नीचे आ गया x³, पुट करा पुट t = 1 + 1/x² dt = 1 का डेरिवेटिव 0, ऊपर लेके चले गए -2 x³ - 3, तो dt / -2 - x³ - 3 dx, तो dt / -2 की वैल्यू आ गई dx / x³। अब जरा देखो ध्यान से, ये तो पूरा का पूरा बन गया रूट टी, यहां पर बन गया लॉग, इस पूरे की वैल्यू आ गई थी टी dx / x³, यहां आ गया dt / -2, तो ये मैंने -1/2 तो बाहर निकाल लिया, यहां पर बच गया रूट टी साथ में लॉग टी और dt। बाई पार्ट्स के हिसाब से आई लेट का जो फॉर्मूला होता है उसमें l वाला फर्स्ट हो गया और ये हमारा सेकंड हो गया, तो -1/2 तो ऐसे कैसे ही, पहला पहला ऐसे कैसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन और सबका dt, -1/2 यहां आ गया log t इसका इंटीग्रेशन, t³ / 2 यहां आ गया 3/2, माइनस log t का डेरिवेटिव 1/2 इसका इंटीग्रेशन t³ / 3/2 dt, ये एज इट इज इसका इंटीग्रेशन ये रहा, log t का डेरिवेटिव 1/t इसका इंटीग्रेशन ये रहा। और देखो आगे जरा, -1/2 ये रहा, तो ये इसे ऊपर लेके चले गए, तो ये बन गया 2/3
टी की पावर 3/2 लॉग टी, यहाँ आ गया 2/3, तेरा 2/3, ये है 1/T, साथ में टी की पावर 3/2 और डी टी -1/2, ऐसे कैसे ही 2/3 टी की पावर 3/2 लॉग टी -2/3, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, इसको ये 1/T ऐसे कैसे ही, इसको देखना ये बन जाएगा टी इंटू में टी की पावर हाफ। जब मल्टीप्लाई होता है तो बेस सेम होता है तो पावर प्लस होती है यही, और अभी इस टी से ये टी कैंसिल तो ये बन गया टी की पावर हाफ, तो -1/2 2/3 टी की पावर 3/2 लॉग टी -2/3, इसका इंटीग्रेशन टी की पावर 3/2 3/2 + c। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई किया जा रहा है, -1/2 2/3 टी की पावर 3/2 लॉग टी, ऊपर पहुंचा दिया 2 2 = 4, 4/9 टी की पावर 3/2 प्लस सी, अंदर इंटू -1/3 टी की पावर 3/2 लॉग टी, अंदर प्लस 2/9 टी की पावर 3/2 प्लस सी, जो टी की वैल्यू थी वो रिप्लेस की जा रही है बस इसके अंदर, टी की वैल्यू -1/3, टी का मतलब 1 + 1/x² 1/1 में यहाँ गया x² इस पूरे की पावर 3/2 लॉग टी की वैल्यू 1 + 1/ में x² प्लस 2/9 टी की वैल्यू 1 + 1/x² की पावर 3/2 + c, ऐसे भी ले सकते हैं और चाहें तो इसके अंदर से हम कॉमन निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से, कॉमन क्या निकल रहा है, यहां से यहां तक के अंदर इस पूरे में से जो कॉमन निकाला, सबसे पहले -1/3 साथ में 1 + 1/x² कॉमन निकाला, -1/3 चला गया और ये इसके पावर 3/2 भी चला गया, तो यहां पर बच गया लॉग 1 + 1/ में x². इसको और इसको देखो -2/3, ये तो पूरा का पूरा निकल गया प्लस सी। तो कहने का मतलब बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन, ऐसे अब आप अगला जो क्वेश्चन है उसे भी देखें आप। अब जो ये मिसलेनियस का जो क्वेश्चन नंबर 28 है, बहुत ही ज्यादा अलग क्वेश्चन है और इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा इस क्वेश्चन को, उसका जो मेथड होगा वो ऐसा होगा कि जो आपको बहुत ही ज्यादा आसान लगे। सबसे पहले देखो हमारे पास ये दिया हुआ है और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर है और अब भी बोला जा रहा है बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने इसके अंदर पुट टी इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पुट करा। अब बच्चों के मन में ये आएगा ये तो कहीं है ही नहीं, ये जो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है ये इसके अंदर कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है जो सिंप्लीफाई करके आ जाएगा, या अगर और भी क्लियर नहीं तो आप ये कह सकते हैं कि देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस, तो इसका मतलब ये है कि मैंने टी एक ऐसी वैल्यू पुट करी है जो उसका डेरिवेटिव यहां पड़ा हो। तो सबसे पहले बार बार बोल रहा हूं कि मैंने टी की वैल्यू वो पुट करी है जिसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो मैंने क्या करा है यहां पर dt/dx साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, यहां आ गया प्लस, तो dt की वैल्यू आ गई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, साथ में यहां आ गया dx। अब लिमिट चेंज हो रही है, अपर लिमिट के लिए t इज इक्वल टू साइन पाई बाय 3 कॉस पाई बाय 3, यहां से आ गया पाई बाय 3 साइन 60 की वैल्यू √3/2, यहां से आ गया 1/2, तो टी की वैल्यू यहां से आ गई √3 - 1/2, ये तो अपर लिमिट है। अब लोअर लिमिट देखो, टी इज इक्वल टू
साइन पाई बाय सिक्स, कॉस पाई बाय सिक्स, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो यहां से हमारे पास आ गई 1 -√3/2, ये हमारे पास आ गई लोअर लिमिट। चलो मैं इसकी वैल्यू dt तो पुट कर सकता हूं, लेकिन मैंने कहा था ये वैल्यू कहीं ना कहीं यहां पर छुपी हुई है, तो मैंने क्या करा, t = sin x - cos x। अब मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, यहां गया t² = sin x - cos x इस पूरे का होल स्क्वायर, तो t² = a² + b² - 2ab, तो यहां आ गया t² = इस पूरे की वैल्यू आ गई 1, और माइनस ऐसे कैसे यहां आ गया sin 2x। देखो ध्यान देखो, आ गया sin 2x। अब मुझे ऐसे sin 2x की वैल्यू निकालनी, यहां आ गया sin 2x, यहां आ गया 1 - t², ये पूरी की पूरी वैल्यू sin 2x की वैल्यू निकल गई। अब हमारे पास जो लोअर लिमिट था यहां आ गया 1/1 यहां पर प्लस में, यहां आ गया हमारे पास √3 - 1/2, इस पूरे की तो वैल्यू आ गई dt, और इस पूरे की वैल्यू आ गई 1 - t², तो यहां आ गया 1 का स्क्वायर। इस पूरे का फॉर्मूला लगाया, यहां आ गया sin 1t / a अपर और लोअर, तो यहां आ गया अपर और यहां पर आ गया लोअर। पहले अपर लिमिट, तो sin 1√3 - 1/2 माइनस लोअर लिमिट 1 - √3/2, ये ऐसे कैसे ही sin 1√3 - 1/2। अगर मैं इसको आगे पीछे लिख लेता हूं तो यही वैल्यू बन जाएगी, लेकिन आपको यह पता है कि sin - θ = −sin θ, मतलब अगर मैं इसको आगे पीछे करूंगा तो जो साइन की वैल्यू जो है वो प्लस में नहीं बल्कि माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, और ऑलरेडी यहां पर माइनस है तो वो माइनस और माइनस प्लस हो गया, और इसको मैंने आगे पीछे कर लिया। अब हमने देखा ये दोनों वैल्यू एक जैसी हैं, तो हमने इन दोनों को प्लस कर लिया, 2 sin 1√3 - 1/2। एक बार और देखो, मैंने कहा मैंने इसको इसलिए पुट करा है क्योंकि ये इसका ये सारा का सारा डेरिवेटिव है। अब हमने पुट करने के बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाई और इसकी मदद से sin 2x की वैल्यू निकाली, लोअर अपर इसका इंटीग्रेशन ये रहा, पहले अपर लिमिट लगाई फिर लोअर लिमिट लगा दी, लोअर लिमिट को मैंने आगे पीछे करा तो ये माइनस वाला प्लस हो गया, दोनों एक जैसी वैल्यू है तो दोनों को प्लस कर लिया। ऐसा ही बिल्कुल एक क्वेश्चन और भी है और वो हमारा क्वेश्चन नंबर है 30। देखो ध्यान से सब, क्वेश्चन नंबर 30 बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इसी फॉर्मेट पर है क्वेश्चन नंबर हमारा 30, जो हमारे पास 0 से लेकर π/4 यहां है sin x + cos x, यहां आ गया हमारे पास 9 + 16 sin 2x, सही है, और इसलिए डायरेक्ट करवाया जा रहा है इसके बाद, क्योंकि इसका अंदर भी बिल्कुल वैसे ही चल रहा है कि इस पूरे को इसलिए पुट किया जा रहा है कि ये इस पूरे का डेरिवेटिव ये है, पूरा का पूरा बिल्कुल ऐसे कैसे, बस अब लिमिट चेंज हो रही है, अपर लिमिट के अंदर π/4, तो यहां आ गया हमारे पास π/4, यहां आ गया हमारे पास cos π/4, sin 45 की वैल्यू 1/√2 - 1/√2, कटने के बाद हमारे पास 0 आ गया। उसके बाद लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में क्या दे रखा है, साइन हमारे पास sin 0 - cos 0, sin 0 की वैल्यू 0, यहां पर -1, तो यहां पर आ गया -1, बिल्कुल ऐसा ही सॉल्व करा इसके अंदर, सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ गया। अब थोड़ा सा नीचे जाके जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या था सबसे पहले तो लिमिट चेंज हो गई -1 से लेकर 0, ऊपर बन गया dt, यहां पर बन गया 9 + 16, sin 2x की वैल्यू हमारे पास बन गई 1 - t², तो -1 से लेकर 0 dt 9 + 16 - 16t², तो यहां आ गया -1 से लेकर 0 dt, यहां पर आ गया 25 - 16t², तो यहां से मैंने 1/16 कॉमन निकाल के यहां आ गया dt, 16 कॉमन निकाला था तो यहां पर आ गया 25/16 - t², तो 1/16 - 1 से लेकर 0 dt, यहां आ गया 5/4 का होल स्क्वायर - t का स्क्वायर।
25 यहाँ आ गया 5/4, सिर्फ और सिर्फ अब हमें इसका जो है इंटीग्रेशन लगाना है। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है बिल्कुल एज इट इज है, अब सिर्फ इसका जो है इंटीग्रेशन लगाया जा रहा है। तो ये आ गया हमारे पास 1/16, इसका फॉर्मूला 1/a, तो 1/a ये रहा 1/a log a प्लस एक्स a माइनस एक्स अपर माइनस लोअर 0 - 1, कटने के बाद ये हमारे पास 5/4, 16 यहां पर आ गया हमारे पास 4, तो ये आ गया हमारे पास 1/20, 4 × 4 = 4, यहां पर आ गया log, सबसे पहले अपर लिमिट 0, तो log 5/4, यहां भी 0, यहां आ गया 5/4, माइनस लोअर लिमिट 5/4 - 1, 5/4 + 1, तो 1/20, यहां आ गया log, यहां आ गया हमारे पास log, सबसे पहले यहां आ गया 1 माइनस log, एलसीएम निकाल के सोल्व करा 5 × 5, 5 - 4, यहां आ गया 5 + 4, तो 1/20 log 1 की वैल्यू 0, log 1/9, तो ये हमारे पास आ गया -1/20 log 1/9, या तो यही आंसर है हमारा, या अगर इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेंज कर मतलब उल्टा करते तो साइन चेंज हो, अगर आपने इसे उल्टा करा तो 1/20 और जो ये log 1/9 था ये आ गया 9। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 28 है वही हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, लेकिन जो हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो बहुत ज्यादा बड़ी है और अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रह गए हैं जो हम अगली वीडियो के अंदर आपको जो है करवाएंगे। लेकिन अगर इस वीडियो का फायदा उठाना है तो आपको वीडियो पूरा देखना है और वीडियो को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा अच्छे अच्छे कमेंट देने, और अगर आप नए हैं तो इस जो है इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी वीडियो के साथ या अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद जय भारत।